तो चलिए दोस्तों, जब हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करे और घर में कुछ भी ना हो और कुछ समझ में ना आए, तो आलू तो सबके घर में होता ही है। तो चलिए हम झटपट से बनाते हैं आलू की चटपटी सी चाट, जो कि खा के मज़ा आ जाएगा। और यकीन मानिए, ये जितना टेस्टी है ना, उतना ही चटपटा है। एक बार बना के खाएंगे ना तो मन खुश हो जाएगा। तो चलिए हम झटपट से बनाते हैं आलू की चाट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने चाट बनाने के लिए दो उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने आलू को मोटे मोटे पीस में ही कट कर लिया है। अब इनको हम करते हैं फ्राई। तो चलिए हम चलते हैं गैस के पास। तो ये देखिए दोस्तों, तेल हमारा खूब बढ़िया से गर्म हो गया है। तेल को इसमें खूब बढ़िया से गर्म करके रखना, ताकि आलू हमारे क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। और एक बार हम उतने आलू डालेंगे जितने हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। और अब इनको हम कलछी से टच नहीं करेंगे, इनको थोड़ा सा एक साइड से हो जाने देंगे, तब इनको हम पलटेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू 1 से 1.5 मिनट तक के अच्छे से फ्राई हो चुके हैं एक साइड से, तो हम इनको पलट देंगे। इनको हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे ही, क्योंकि आलू हमारे बॉयल हैं, इनको केवल हमें क्रिस्पी करना है ऊपर से। तो इनको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अपने आलूओं को हम निकाल लेंगे एक टिशू पेपर पे, ताकि इनका सारा ऑयल टिशू पेपर में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन तक क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं और थोड़ा सा ठंडे भी हो चुके हैं। आपको पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, हमारे मोहल्ले में बच्चों ने दीपावली मनाना शुरू कर दिया है। तो चलिए अपने चाट में हम मिला लेते हैं थोड़ा सा मसाला। तो सबसे पहले इसमें मिलाएंगे जीरा पाउडर, जिसमें मैंने जीरा और हींग दोनों को फ्राई करके पीस लिया था। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हरी मिर्ची, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हरी धनिया। और इसमें मिलाएंगे हम, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, धनिया, पुदीना, दही की खट्टी खट्टी हरी वाली चटनी। और साथ में इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच इमली की चटनी। और इन सबको खूब बढ़िया से हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा झटपट से चाट बनके हो गया तैयार। कि जब आपका कुछ चटपटा सा तीखा सा खाने का मन करे, तो झटपट से आप चाट बना लें। तो बहुत ही टेस्टी चाट बनता है। और इसको खूब बढ़िया से हम मिक्स कर देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऊपर से आलू की भुजिया, जो कि इसके टेस्ट में 4 चांद लगा देगा। तो ये देखिए, हमारे झटपट से चटपटे आलू की कचालू बनके हो गया तैयार। पहले इसको लोग कचालू बोलते थे गांव में, तो वही आज हमने कचालू बनाया है। तो ये लीजिए, हमारा झटपट से चटपटा सा आलू का चाट बनके हो गया तैयार। खाइए और बताइए कैसे बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन एक बार बना के खाइएगा ज़रूर, मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू।